दुनिया में एक ही फल सबसे मीठा होता है और वो होता है स्वयं की मेहनत का फल। मेहनत के फल से मीठा फल और दुनिया में कोई और नहीं होता है क्या? होता है क्या? मेहनत के फल से मीठा फल और कोई नहीं होता। कभी आपने चखा है मेहनत का फल? मेहनत का फल, मेहनत करी है, खूब मेहनत करी है, करी आपने मेहनत? किस किस ने मेहनत करी सच्चे मन से बताइए, हाथ खड़े करके बताएं, बड़े बड़े हाथ खड़े करके बताएं। हाथ खड़े करना में सच्चा रहे हो, आपने मेहनत नहीं करी? भगवान के आगे बताओ हमने खूब मेहनत करी है, करिए नहीं करी? नहीं करी तो आप करिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में करिए, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, शारीरिक मेहनत भी हो सकती है, मानसिक मेहनत भी हो सकती है। मैं भी यहाँ ठाकुर जी की कथा गा रही हूँ, मेहनत नहीं कर रही हूँ क्या? भगवान की कथा गाने मेहनत नहीं कर रही हूँ क्या? मैं मेहनत कर रही हूँ, ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, और मुझे पता है मेरी मेहनत का फल बड़ा मीठा होगा, क्योंकि मेरी मेहनत की फल से शब्दों में शब्द ब्रह्म प्रकट होगा, किसी के भीतर राम का प्राकट्य होगा, इसीलिए मेहनत कर रही हूँ। मेरी मेहनत का फल भी मीठा हो जाए इसीलिए मेहनत कर रही हूँ। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, अपनी मेहनत ईमानदारी से करो। एक राजा के घर में चौकीदार रहो कर, तो चौकीदार सवेरे सवेरे बोलो, महाराज महल खाली कर दो, मैंने सपना देखा है, महल में आग लगने वाली है, मेरा सपना कभी झूठा नहीं होता। राजा ने महल खाली कर दिया, आग तो लगी पर सब बच गए। तो लोगों ने बड़ा अच्छा कहा, चौकीदार ने राजा की जान बचा ली, सब महल का पूरा सब मामला बचा लिया, अगर इसने नहीं बताया होता तो आज अन्य क्या अनर्थ हो जाता। लोगों ने खूब इनाम दिया, राजा ने भी इनाम दिया, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। तो किसी ने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने, इस बेचारे को, इस गरीब आदमी को नौकरी से क्यों निकाल दिया? तो राजा ने कहा, ये चौकीदार है और मैं इसे तनख्वाह रात जागने की देता हूँ, सपने देखने की नहीं देता। ये अपनी मेहनत ईमानदारी से नहीं कर रहा था, ये जागने की बजाय सपने देख रहा था, इसीलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया। तो अपनी मेहनत ईमानदारी से करो, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, पर अपनी मेहनत में बेईमानी ना करो। जो अपनी मेहनत में बेईमानी नहीं करेगा, ये सच मानिए, वो एक न एक दिन संसार से अपने आप ही मुक्त हो जाएगा, अपने आप ही संसार से वैराग्य हो जाएगा, और संसार से वैराग्य ही सन्यास धर्म का आरंभ है। लोग तो भूल गए हैं, इसीलिए तो कभी वैरागी होते ही नहीं। मैं तो कहती हूँ, जंगल में जाओ उससे पहले घर में ही अभ्यास शुरू कर दो, सत्संग करो, हाँ रोज सत्संग करो। पहले के जमाने में तो कोई कोई कहीं कहीं कथा होती थी, अब तो देखो टीवी पर आपके कितनी सारी कथा आती हैं, मोबाइल पर कथा आती हैं, जब जहाँ जिसकी समझ में आ जाए बस भगवान की कथा सुना करो।